विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान है, लेकिन आप चुपचाप मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूंगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले
पश्चिम भारत में चित्रसर नाम का एक राज्य था। समृद्धशाली राज्य का राजा था चित्रक। बली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापिस लौटे अपने राज्य में। महाराज एक दिन महामंत्री जी को बुलाकर बोले, महामंत्री, मेरा उम्र हो गया है, अब मुझे लगता है दोनों पुत्रों पर सब कुछ सौंप देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए महाराज। ठीक है, दोनों राजकुमारों को बुलाओ। जी महाराज। प्रणाम पिताश्री, आप हमें बुलाए थे? हाँ, आओ बच्चों आओ। प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों बताओ, तुम्हारे शिक्षा में कुछ कमी तो नहीं रह गई? नहीं पिताश्री, हम दोनों ध्यान लगाकर शिक्षा ग्रहण किए हैं। हाँ पिताश्री, अस्त्र शिक्षा, नीति शिक्षा, गणित शिक्षा सभी मन लगा के ग्रहण किए। बहुत अच्छा, अब मैं तुम दोनों पर राज्य सौंप कर निश्चिंत होना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मैं तुम दोनों का राज्याभिषेक करवाऊंगा। लेकिन पिताश्री, उससे पहले हम दोनों कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो? पिताश्री, राज्याभिषेक से पहले हम दोनों देश घूमना चाहते हैं। आप अगर अनुमति देते। हाँ पिताश्री, देश विदेश के लोगों को नजदीक से देखना चाहता हूँ, उन्हें पहचानना चाहता हूँ, उन लोगों का दुख तकलीफ खान पीन नजदीक से पहचानना चाहता हूँ। यही तो चाहता हूँ बेटा, प्रजाओं को तुम लोग पास से देखो, उन लोगों का दुख तकलीफ गरीबी जरूरत किस चीजों में उन लोगों की खुशी है ये जानोगे तुम लोग, तभी राज्य संभल पाओगे। तो फिर कल ही हम लोग रवाना होंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन जल्दी ही लौटना तुम लोग। ठीक है पिताश्री, हम लोग चलते हैं। जाओ जाओ तुम लोग। अपने पिता का अनुमति लेकर वीर और बाहुबली निकल गए देश यात्रा पर। बहुत दिनों तक देश यात्रा करते करते देश के सारे कोने कोने घूमने के बाद जब वो दोनों वापिस लौट रहे थे तभी। भैया, इतने दिनों में हम लोग पूरा देश घूम लिए लेकिन उत्तर दिशा की तरफ नहीं गए, चलिए ना वापिस जाने से पहले घूम के आते हैं। लेकिन छोटे, पिताजी जल्दी ही आने के लिए बोले हैं। चलिए ना भैया, जब राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर घूम नहीं पाएंगे। तुम ठीक बोल रहे हो, चलो चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ। धर कुछ भी नहीं है इधर, चारों तरफ सिर्फ पर्वत और जंगल है। चलो वापिस चलते हैं। जब आ ही गए हैं तो आगे जाके देखते हैं। ठीक है चलो चलो। तो फिर वो देखो एक नगर। ये कैसा नगर है? इस नगर का नाम क्या है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलिए भैया। हाँ, ये क्या हाल है? इस नगर का क्या हाल हुआ है? लेकिन बड़े बड़े इमारतें हैं, इतना सारा घर, देखकर लगता है कुछ साल पहले खुशहाल नगर था, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा है। चलो उधर जाके देखते हैं। भैया ये क्या? ये श्री बुड्ढों का नगर है। हा? सच में सब बुड्ढे हैं? अचंभा की बात है।
अब नहीं कहा जा रहा है। वो देखिए, चलिए उनसे जाकर पूछते हैं। सुनिए फलबले, सुनिए। कौन कौन बुला रहा है? इधर 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 देखिए, इधर। इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम है रामपुर। लेकिन तुम लोग कौन हो? यहाँ पे क्यों आए हो? वापिस जाओ, बोल रहा हूँ। जाओ, बोल रहा हूँ, अभी चले जाओ। ओहो, सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, पश्चिम दिशा से आए हैं। हम लोग देश घूमने गए थे, वापिस आ रहे थे, तब सोचे तो इस नगर में क्यों आए। आप ही तुम लोग चले जाओ, वरना हम लोगों जैसा हाल हो जाएगा तुम लोगों का। मतलब? तुम लोगों जैसा मतलब? मतलब बुरा होकर मरना होगा, असमय बुरा होकर बीमार होकर रहना पड़ेगा। सही से बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, इस नगर में बच्चा बूढ़ा औरत जवान सभी बूढ़े हो चुके हैं और कमजोर हो गए हैं, चलने का भी शक्ति नहीं है। हाँ, हम लोग तो वही देखे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हुआ हमें बताइए। मुझे नहीं पता। लोग जाकर उस शैतान महाराज से पूछो, उसके वजह से ही तो हम लोगों का ये हाल है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन राजमहल कहाँ है बता सकते हैं? वो रहा बाजार के उस पार। धन्यवाद, चले छोटे, हम लोग महाराज के पास चलते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये घटना आखिर कैसे घटा। हाँ भैया, चलिए चलिए चलिए। प्रणाम महाराज। कौन हो बेटा तुम? यहाँ पे क्यों आए हो? महाराज, मैं चित्तसर राज्य के राजा का बेटा हूँ और ये मेरा छोटा भाई बाहुबली। प्रणाम। महाराज, नगर का ये हाल क्यों है और इसका जिम्मेदार सब आपको क्यों कह रहे हैं? सब मेरा ही गलती है बेटा। सुनो मेरी बात, इस नगर के पश्चिम के तरफ पर्वत पर एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक गुफा में बैठकर काल भैरवी का आराधना करता था। वो एक दिन मेरे पास आके कहा, महाराज मैं चाहता हूँ कि अब देवी माँ की आराधना करें। नहीं, मैं शंकर भगवान का पुजारी हूँ, भोले के कृपा से मेरा नगर सुख शांति से है, कोई तकलीफ नहीं है, तो क्यों करूं? महाराज मेरा बात मत टालो, वरना विपत आएगी। इतनी हिम्मत? अभी चले जाओ तुम यहाँ से, ए नगर छोड़कर चले जाओ, वरना काल कोठरी में बंद कर दूंगा। मुझे काल कोठरी में बंद करोगे? मुझे कोई ताकत रुक नहीं सकता महाराज। पहरी। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। Ha 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 ha
उसके बाद वो तांत्रिक अपने मायावी शक्ति से देखो मुझे क्या हो गया। ये क्या हुआ? हे भगवान रक्षा कीजिए, हम लोगों का रक्षा कीजिए। ये क्या हो गया, हम लोग बूढ़े कैसे हो गए? इससे आप लोगों को कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है महाराज। एकमात्र वही तांत्रिक हम लोगों को दोबारा ठीक कर सकता है। तो फिर अभी जाएंगे हम लोग उनके पास भैया। चलता हूँ महाराज। लेकिन तुम लोग कुछ कर पाओगे? आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। इसीलिए तुम लोग यहाँ आए हो। रामपुर नगर का दुख आप ही दूर कर सकते हैं तंत्र जी, इसीलिए आपके पास आए हैं। मेरे मायावी शक्ति से उन लोगों का ये हाल है। मैं जब तक ना चाहूँ वो लोग ठीक नहीं हो सकते। मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना होगा। बोलिए तंत्र जी। आप जो बोलेंगे हम लोग करेंगे। सुनो सुनो तो फिर, शैलेश्वर पहाड़ पर एक मंदिर है, उस काली माँ की मंदिर में जाओ। जाकर जो काली माँ के हाथ में जो कटारी है उसे लेके आओ। ठीक है चलो चलो छोटे। सुनो सुनो तुम लोग, कल शाम से पहले मुझे वो कटारी चाहिए वरना। ठीक है, आप निश्चिंत होकर रहिए। चलिए भैया। भैया और कितना दूर है? अब नहीं चल पा रहा हूँ। कहाँ है मंदिर, नहीं दिख रहा। तुम लोग काली माँ के मंदिर ढूंढ रहे हो? हाँ 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 रिसीवर, लेकिन किस तरफ जाकर मंदिर पहुंचेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पश्चिम दिशा की ओर आओ, उधर देखना तुम, एक नील पर्वत होगा, उस पर्वत के ऊपर काली माँ की मंदिर है, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। क्यों रिसीवर? वो पथ बहुत खतरनाक है, ठहरो। ये तलवार अपने साथ रखो, पथ में भी बताने पर तुम दोनों के काम आएगा। धन्यवाद रिसीवर। अब हम लोग चलते हैं, ठीक से जाना तुम लोग। लगता है हम लोग नील पहाड़ के पास आ गए। हाँ मुझे भी यही लगता है, नील पर्वत के उस पर काली मंदिर है। चलो छोटे, हम लोगों को जल्दी वापस आना होगा। कितना खतरनाक है, कौन हो तुम? मैं चंद्रिका, महाकाली माँ के मंदिर का रखवाली करती हूँ। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? चले जाओ चले जाओ। काली माँ के हाथ में जो कटारी है वो हमें चाहिए, वरना यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम लोगों का इतनी बड़ी हिम्मत, महाकाली माँ का कटारी लोगे? रुको।
भैया इसी बार जो तलवार दिए वो निकालिए। हाँ कौन है आप? मैं रत्नवती, काली माँ के श्राप से मैं राक्षसनी चंद्रिका का रूप ले ली थी। आज तुम लोगों के वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई। जाओ जाके काली माँ के हाथ से कटारी ले लो। धन्यवाद छोटे, जाओ काली माँ के हाथ से कटारी ले आओ। ठीक है भैया। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कटारी लेके? तांत्रिक को दूंगा, तांत्रिक कटारी लेकर रामपुर के दुख दूर करेंगे। ना 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 ना, ना। वो कटारी तांत्रिक को मत देना। तांत्रिक अपनी मायावी शक्ति से सबको बुरा बना दिया है, अगर हम लोग नहीं दिए तो वो उन लोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये कटारी देने के बावजूद भी वो रामपुर वालों को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसी कटारी से तुम लोगों का बलि चढ़ाएंगे। ये क्या कह रही है आप? हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, उस कटारी से तुम दोनों का ही बलि चढ़ाएंगे। कल अमावस्या है, उस कटारी से तुम दोनों का बलि चढ़ा के वो काली माँ का अभिषेक करेंगे और काली माँ प्रसन्न होके उसे अमर बना देगी और उसके बाद उसे कोई भी शक्ति नहीं मार सकती। ओ अब समझा। ठीक है अब चिंता मत कीजिए, वो तांत्रिक अपनी पूजा में सफल नहीं होगा। अब हमें तुरंत हमें तांत्रिक के पास पहुंचा दीजिए। छोटे हाँ भैया, तुम जाके कटारी लेके आओ। ठीक है भैया अभी जा रहा हूँ। ये लीजिए भैया। रुकिए आप लोग। इस रथ पे बैठ के आप लोग बहुत ही जल्द तांत्रिक के पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ गए हो तुम लोग, दो मुझे वो कटारी दो। ए ए ए लीजिए। अब तुम दोनों उस जलसर में से नहा के आओ, उसके बाद तुम दोनों सर झुका के आशीर्वाद लेना। एक साथ चरणों में सर झुका के कैसे? झुका नमस्कार करना नहीं जानते हो तुम लोग? नहीं रिसीवर, हम लोग नहीं जानते हैं, आप दिखा दीजिए, देखकर हम लोग कर लेंगे। ठीक है तो फिर देखो तुम लोग। अरे ये क्या, मैं तो फिर से पहले जैसा हो गया। महाराज वीर तांत्रिक के सम्मुख ना जाकर बल्कि छल से उस तांत्रिक का वध किए, वीर शिक्षा खोकर भी ऐसा किए, तो बोलिए महाराज वीर के गुरु वीर को क्या शिक्षा दिए थे, या फिर वीर के गुरु शिक्षक नहीं थे, बोलिए महाराज। बेताल तांत्रिक माया भी शक्तिशाली था, इसलिए उसे मारना बहुत मुश्किल था, और इसलिए तांत्रिक को मारने के लिए
बीर को छल का प्रयोग करना पड़ा, वरना रामपुर नगर उस बुढ़ेपन से वरना मुक्त तो नहीं होते। इसलिए जो बीर ने किए हैं सही किए हैं। महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से उसी पेड़ पर वापिस जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। Yeah!